नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू CIET NCERT's लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। माय नेम इज तन्वी खुराना एंड दिस इज अ क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th, अ क्लास ऑफ साइंस वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी आवर एनवायरनमेंट। आप सभी ने सुना होगा कि हमें अपना एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, पर अगर हम एनवायरनमेंट को समझना चाहें तो किस तरह समझेंगे, ये आपको आज की हम क्लास में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिन्हें बेहद खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देने में। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आवर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा नंबर है 8800440559 और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cit.nic.in। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी बातचीत हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ है मिस्टर सुधांशु शर्मा, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जी सर, आपका एक छोटा सा परिचय मैं दर्शकों को देना चाहूंगी और उसके बाद से हम इस बातचीत को शुरू करेंगे। सर हैं रिसर्च स्कॉलर सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर से। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, उसमें ऐसा क्या खास है जो आपको लगता है बच्चों को समझना और सीखना चाहिए क्लास 10th में? सर, मैम और मैं अपने सारे जो है दर्शकों को और जो बच्चे ये देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो हमारे होने का कारण, इट इज़ द रीज़न फॉर आवर बीइंग। और अगर हम इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे और इसमें जो है छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे होने पर जो है खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए जो है हमें अपने पर्यावरण के बारे में जो है जानना चाहिए कि क्यों जो है हमारा पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है पर्यावरण कितना जो है आवश्यक है। ठीक है मैम, और जब अगली स्लाइड में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो है एनवायरनमेंट किस किस तरह से जो है कैसे कैसे जो है फ्रेम हुआ है, बना है, और एनवायरनमेंट की क्या जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? अच्छा, एनवायरनमेंट जो है एक इकोलॉजी के फील्ड का जो है सब्जेक्ट है, या ये बोल रहे हैं जो है डिसिप्लिन है। ठीक है, और इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर एग्जिस्टेंस। माने कि जो एनवायरनमेंट है हमारा जो है वो हमारी पूरी पूरी जो नेचुरल सराउंडिंग है जो हम देख रहे हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट, जो बायोटिक कंपोनेंट से, एबायोटिक कंपोनेंट से, उसके फिजिकल फीचर्स भी हैं, उसके बायोलॉजिकल फीचर्स भी हैं, उससे बना हुआ है और उसी के इंटर रिलेशंस की वजह से जो है वो एग्जिस्टेंस में है हमारा एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हम अच्छे से जो है रह पा रहे हैं अपनी धरती में। और सबसे एक जो है आश्चर्यजनक बात ये है कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ जो है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जो है अर्थ में ही है और किसी जो है प्लैनेट में सोलर सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे जो है मिशन्स हैं, नासा के मिशन्स हैं, इसरो के मिशन्स हैं, और भी अलग अलग देशों के अपने मिशन्स हैं। ठीक है, वो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम पाते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितनी भी और प्लेनेट है वहाँ लाइफ नहीं है, वहाँ पे हमारे जैसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो हमारा एनवायरनमेंट हमारे होने का बहुत बड़ा जो है कारण है और इसीलिए जो है हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी जो है सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, ताकि जो है लोगों को जो है हम अवेयरनेस जो है प्रोवाइड करा सकें कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना आवश्यक है और उसको जो है बचाना हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक दादी है और एक बच्चे हैं, वो दोनों का रिलेशन आप देख पा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस बिगिंस विद द ईच इंडिविजुअल डिजायर टू बी क्लीन। माने कि हमारा एनवायरनमेंट साफ रहे ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी जो है हमारी है। जब हम चाहेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट साफ रहे तब और लोग चाहेंगे कि उनका एनवायरनमेंट साफ रहे, और जब सारे लोग जो है कलेक्टिवली जो है कंट्रीब्यूट करेंगे एनवायरनमेंट के साफ रहने में तभी जो है हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा। आज हम देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो चुका है, जैसे दिल्ली में हम लोग को अक्सर खबर मिलती है कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई हो गया है,
सांस लेने लायक नहीं है, या कहीं का पानी जो है पीने लायक नहीं है, ठीक है, कहीं पे जो है कुछ खाने लायक नहीं है। तो ये कारण क्या है इसका कि इन्वायरमेंट हमारा जो है डिग्रेड हो रहा है। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे जो है ये इनका जो है रिलेशन है एक दूसरे से। जब आगे की स्लाइड में हम चलेंगे तो हम पाएंगे कि इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, इकोसिस्टम हमारा जो है बना कैसे है, उसका इंट्रैक्शन किसके किसके जो है बीच में है। इकोसिस्टम का इंट्रैक्शन हमारे जो है प्लांट से, प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, फिर हमारे एनिमल से यानी कि और डिकम्पोजर से है, फिर हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर हमारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरी पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लांट है, प्लांट का इंट्रैक्शन विद इंट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स और डिकम्पोजर्स और ह्यूमंस और जो है फिजिकल फीचर्स के इंट्रैक्शन से हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। और इकोसिस्टम कंजिस्ट क्या क्या करता है, इकोसिस्टम कंजिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप पूछ सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जो है हमारा जो है प्लांट है, सारे प्लांट हमारे जो है बायोटिक कंपोनेंट है, सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म तो वो सारे जो है बायोटिक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट के। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स के जो है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, कुछ जो है जैसे हम बताएं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रेनफॉल है हमारी, ये दिख रही है ना यहाँ पे रेनफॉल, रेनफॉल है हमारी, फिर विंड है, सॉयल है, मिनरल्स हैं, टेम्परेचर है, ये सारे जो है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसकी वजह से जो है हमारे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप सोच तो के देखिए, अगर जो रेनफॉल नहीं हो तो क्या प्लांट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। टेम्परेचर नहीं हो तो सीड ही नहीं जर्मिनेट करेगा, हवा नहीं चले तो पॉलिनेशन नहीं होगा, अच्छे प्लांट्स नहीं जो है निकलेंगे, सॉयल नहीं हो तो प्लांट्स रहेंगे कहाँ है, ऑर्गेनिजम्स रहेंगे कहाँ, मिनरल्स नहीं हो तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। यानी कि सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के होने का रीजन क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जब आगे देखेंगे हम, आगे हम जो है पाएंगे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, कैसे कैसे जो है हमने इकोसिस्टम में क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को। तो क्या क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर्स ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। अच्छा, तो फिर डिकम्पोजर्स का क्या काम है, डिकम्पोजर्स का काम ये है कि सपोज जैसे हमने कुछ खाना खाया तो एक्सक्रीटा होता है हमारा, कभी जो है एनिमल या प्लांट डेड कर गए तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने के लिए और वापस से उसको इकोसिस्टम में मिला देने के लिए डिकम्पोजर्स अपना जो है रोल अदा करते हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारी इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है जब जो है प्लांट्स या एनिमल्स डिकम्पोज नहीं होंगे तो हमारी सॉयल को जो है फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो सॉयल को फर्टाइल बना देते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिज्म को जो है डिकम्पोज करके। अच्छा, कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, पैरासाइट्स हैं। अच्छा, अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स आर दोज कंज्यूमर्स जो सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो कुछ और नहीं खाते हैं, जैसे गाय है हमारी, भैंस है, बकरी है, ये सिर्फ घास फूस खाएंगे या प्लांट्स खाएंगे, दे विल नॉट ईट एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कार्निवोर्स है हमारे, कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे शेर है हमारा, चीता है, ठीक है। फिर ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स, जैसे कि भालू। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, फिर पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे दीमक है, दीमक कभी जो है लकड़ी में लग जाती है, लकड़ी एक जो है डेड ऑर्गेनिज्म है लेकिन जो है वो लकड़ी पर चिपकी रहती है, लकड़ी को ही खा जाती है, यानी कि दीमक को हम बोल सकते हैं क्या एक तरह से जो है पैरासाइट, टर्माइट जो होती है, टर्माइट यानी कि दीमक। फिर जो है
फिर हम देखेंगे क्या कि फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है, फूड चेन क्यों जो है इम्पोर्टेंट है। फूड चेन है हमारा ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कौन किसको खाएगा, किस लेवल पर खाएगा, कैसे खाएगा, किस सीक्वेंस में खाएगा, इसका जो है अध्ययन हम फूड चेन में करते हैं। अब फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम वेयर ईच मेंबर ऑफ द चेन सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द सीक्वेंस। मतलब कि जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स किसके लिए जो सर्व करते हैं, हर्बीवोर्स के लिए सर्व करते हैं। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो कार्निवोर्स के लिए सर्व करते हैं या ओमनिवोर्स के लिए सर्व करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन में दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो खा रहा है अपने भोजन के लिए। अब फूड चेन की इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को, क्योंकि खाना खाने से, फूड चेन से फूड कंज्यूम करने से हमको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, पहले प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने एनर्जी बनाई जो है, जनरेट करी जो है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस से। अब प्लांट्स के पास जो एनर्जी थी वो जो है हर्बीवोर्स के पास आ गई, हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी थी वो कार्निवोर्स के पास चली गई या ओमनिवोर्स के पास चली गई। तो इस जो है लेवल को, इस चेन को जो स्टडी होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि फूड चेन इलस्ट्रेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू एन इकोसिस्टम स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स एंड एंडिंग अप विद टॉप कंज्यूमर्स नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे ट्रॉफिक लेवल्स में क्या है। अगली जब स्लाइड पे हम जाएंगे तो हम पाएंगे सबसे पहले जो है हमारे प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फूड को जो है प्रोड्यूस करें, यानी कि ये प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल, ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ, जैसे हमने चर्चा करी थी, ऑटोट्रॉफ विच फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर हमारे आते हैं जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि हर्बीवोर्स, ऑल्सो नोन एज हर्बीवोर्स दैट प्राइमरली कंज्यूम प्लांट मटीरियल और प्रोड्यूसर्स एज द मेन सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद क्या आते हैं हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल्सो नोन एज स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल्स दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में ट्रॉफिक लेवल में जो हमारे आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज लार्ज कार्निवोर्स दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दिस कुड बी अ लार्जर कार्निवोरस एनिमल दैट प्रेज ऑन एनिमल फॉर द प्रीवियस लेवल। अब देखो ये जो हम कौन देख पा रहे हैं, कौन में हम देख पा रहे हैं कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, यानी कि देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, बहुत ज्यादा जो है प्रोड्यूसर हैं, और जैसे जैसे हम जो ऊपर जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो है कम होते जा रहे हैं, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर जो है हमारे इकोसिस्टम में सबसे कम है लेकिन है, और प्रोड्यूसर्स जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट Only 10% of the organic matter is stored as slag. The remaining is lost during the transfer or broken down in respiration, known as 10% law of energy flow. या मतलब इसका, अब ये 10% law क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर अगर जो है कोई हम लोग मूव कर रहे हैं तो 10% law फॉलो करेगी, यानी कि प्रोड्यूसर्स अगर जो है आर कंज्यूम्ड बाई प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर की नेट जो है 10% एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, बट इट इज अप्रोक्सीमेट 10% एनर्जी जो प्रोड्यूसर की होगी वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर। फिर जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जो 10% एनर्जी वो सेकेंडरी पास चली जाएगी, और सेकेंडरी से 10% जो है टर्सरी पास चली जाएगी, यानी कि एनर्जी का फ्लो कम होता चला जाएगा। अच्छा, बाकी एनर्जी जा कहाँ रही, बाकी एनर्जी जो फूड को ब्रेक करने में, रेस्पायरेशन में, अदर बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उसमें जा रही है। ठीक है, इसलिए जो है एनर्जी हमारी जो है कम होती जा रही है। तो 10% लॉ जो है बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका जो है ध्यान रखें जो है। ठीक है, अब जब अगली स्लाइड पे हम देखेंगे तो अगली स्लाइड में हम देख पाएंगे कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एट ट्रॉफिक लेवल, कि एनर्जी जो है कैसे लॉस्ट हो रही है। हाँ, नीचे जो है हमारे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, थर्ड लेवल कंज्यूमर्स हैं, एपेक्स कंज्यूमर्स, प्रीडेटर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, एनर्जी, कुछ एनर्जी जो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, सन से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अप्रॉक्स जो है 1% ऑफ द सोलर एनर्जी जो है कैप्चर कर लेते हैं, जिसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। एंड व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट, सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क
एंड रेस्ट गेट गोज टूवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने बताया कि एनर्जी जा कहाँ रही थी, 10% ही क्यों ट्रांसफर हो रही, बाकी कहाँ जा रही थी, बाकी जो है और अदर एक्टिविटीज में, बॉडी की एक्टिविटीज में जा रही थी। यानी कि जो है अगर 100% प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास है तो फिर आगे जो उस ट्रॉफिक लेवल, अगले ट्रॉफिक लेवल कितनी जा रही, 10%, 10% से फिर 1% हो रही, 1% से 0.1% हो रही, फिर 0.1% हो रही है। यानी कि 10-10% जो है होके ब्रेक होती चली जा रही, कम होती चली जा रही एनर्जी। और द लॉस ऑफ एनर्जी इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेंस आफ्टर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। चौथे ट्रॉफिक लेवल के बाद इतनी ज्यादा जो है एनर्जी लॉस हो जाती है कि फिर कोई एनर्जी जो है बचती नहीं है, बहुत कम एनर्जी जो है, यूजेबल एनर्जी जो है बचती है किसी ऑर्गेनिज्म के पास। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ वेब, फूड वेब, हु ईट्स होम, कौन किसको जो है खाता। अब फूड वेब इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप विद एन इकोसिस्टम। मतलब फूड वेब में हम क्या देखते हैं, कौन किसको जो है कैसे खा रहा है, एक रियलिस्टिक जो है रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ पर जो है टाइगर है, टाइगर सबसे ऊपर है, टाइगर को कौन कौन खा रहा है, टाइगर किसको किसको खा रहा है, ठीक है ना, सांप किसको किसको खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है, ये हम देख पा रहे हैं इसमें। प्लांट्स हैं सबसे नीचे जो है, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं प्रोड्यूसर, उसको कौन कौन खा रहा है, तो ये हम जो है फूड वेब में इसके बारे में जान पाते हैं। और ये सीधा सीधा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स वेब है, इसको जो है बिल्कुल लीनियरिटी के हिसाब से जो है हम नहीं बता सकते बिल्कुल, अच्छा इसके बाद ये खाएगा, इसके बाद ये खाएगा, कोई भी किसी को भी किसी भी लेवल में खा सकता है। तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ब्रॉड डिस्टिंक्शन है। जैसे नीचे जो है, नीचे जो ब्लू लाइन है उसके नीचे हम देख पा रहे हैं कि वहाँ प्रोड्यूसर हमारे, फिर जो है प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, टर्शियरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी जो है फूड वेब जो है प्रोसीड करती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे बायोलॉजिकल जो है मैग्निफिकेशन के बारे में, होता क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हाँ अब इसमें क्या, एक प्रोसेस हमारा जो है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन, तो क्या है इसमें जो है अंतर क्या है दोनों में। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। सपोज कि कोई वाटर बॉडी जो है हम पोल्यूट कर रहे हैं, या सपोज बाई फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेस्टिसाइड है, या फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो अब जो केमिकल नेचर के फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जरूरी नहीं कि डिकम्पोज ही हो जाए, तो वो जो है पानी के साथ घुल के जो है पानी वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर को पल्यूट करते हैं। और वो जब ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के कंज्यूम करने से जो है उनके अंदर भी पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ धीरे धीरे पानी को कंज्यूम कर रही, पानी जो है धीरे धीरे पल्यूट हो रहा था, तो उनके अंदर का जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन फूड चेन। अच्छा अब ये मछलियां हैं, मछलियों को कोई और खाएगा, अब कोई और खाएगा तो उनके अंदर भी पॉल्यूशन जाएगा, उसको कोई और खाएगा तो उसके अंदर भी पॉल्यूशन जाएगा। हाँ तो ये जो है फूड चेन में जब पॉल्यूशन जो है बढ़ता है हमारा, तो उसको हम लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही जो है चिंताजनक जो है विषय है, क्योंकि इससे हमारी जो है लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हमें चाहिए कि हमारी वाटर बॉडीज, हमारी एयर जो है शुद्ध रहे, ताकि हम खुद जो है ठीक रहें। क्योंकि अगर हम जो है सोचो, आप सोच के देखिए, अगर जो पोल्यूटेड एयर जो है इनहेल करें तो हमारे अंदर जो है पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो जाएगी, और भी तरह तरह के जो है डिसीजेज आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम फूड चेन में एक जो है डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से इन्वायरमेंट को जो है पल्यूट करके। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करें। अब हमारी एक्टिविटीज कैसे जो है इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट करती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे जो है ये हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो है जो इंडस्ट्रियल हमारे एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है सारा जो है वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट किए हुए वाटर बॉडीज में फ्लो कर दे रहे हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन है, मतलब हम पेड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट जो है प्रभावित हो रहा है, प्लांट जो है डेड हो जा रहे हैं। हाँ ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज जो इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रही हैं, उनका जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे। एज अ रिजल्ट जो है हमारा पूरा अर्थ जो है पल्यूट हो रहा है, रिजल्टिंग इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इससे और कैसी कैसी जो है प्रॉब्लम होती हैं, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम होती है, हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, पॉलीथीन कहीं ना कहीं हम लोग फेंक देते हैं, जिससे कि वाटर बॉडीज जो है पल्यूट हो रही हैं।
अब पॉलीथीन अगर सोचो किसी वाटर बॉडी में पड़ गई तो उसके नीचे जो है सनलाइट का कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इकोसिस्टम को जो है वो हिंडर कर रही है। ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे। अब ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से हमको जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर हो रहा है लोगों को, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि क्या है द डिप्लीशन ऑफ। सर, यस हम मैम, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी असर कर रहा है, और उसी की वजह से जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है, जो बिल्कुल बारिश बिल्कुल है मैम, वो कम आती है, कभी कहीं जगह ज़्यादा आती है, और उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो हैं इसका भी यही रीज़न है। बिल्कुल मैम, ये जो है इंटर रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो है, जी क्योंकि जो है हमने इतना सिस्टम को अभी डिस्टर्ब कर दिया है जिसकी वजह से ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है, कहीं फ्लड आ जा रहा है, ठीक है, और कहीं पर जो है सूखा पड़ जा रहा है। तो ये हमारी जो है एक्टिविटीज हैं जो जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, ठीक है। जी अब ओजोन लेयर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज है जो ह्यूमंस की जो है रक्षा करती है। अब उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो रही थी ह्यूमंस जो है प्रभावित हो रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, पार्टिकुलरली द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करती है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर देती है, ठीक है ना। अब सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है वो क्या होता है कि वो जो है ओजोन लेयर जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में स्ट्रेटोस्फीयर के पास, उसको जो है रोक देती है, जिससे हम बचे रहते हैं। अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सीएफसी क्या करती है, एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करती है। ओजोन लेयर पे गई, O3 को ब्रेक किया, ऑक्सीजन बनाया, O2 मॉलिक्यूल बना दिया, और एक जो है नेसेंट ऑक्सीजन जो है छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। अब यूवी जो ओजोन लेयर हमारी बनती भी कैसे, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में जब ऑक्सीजन होती है वो यूवी के जो कांटेक्ट में जब आती है तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं O2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी ब्रेक्स इनटू O+2, जिसकी वजह से जो है हमें दो ऑक्सीजन जो है जब मिल जा रहे हैं तो वो O2 के साथ जब एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो हमारी ओजोन लेयर बन जा रही है, जिससे जो हम बचे भी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीएफसी का लेवल जो हमारा बढ़ जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर जो है डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो यह हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी गवर्नमेंट्स की जो जिम्मेदारी है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने देश में जो है सीएफसीज जो जो भी जो सब्सटेंसेस ओजोन को डिप्लीट करते हैं उसको जो है बंद कर दें, तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, नहीं तो उसके बहुत ही ज्यादा डिट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, उसमें जो है हम पाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें हम पाते हैं कि हमारे पास दो तरह के वेस्ट होते हैं, वेट वेस्ट होते हैं, ड्राई वेस्ट होते हैं। वेट वेस्ट जो है हमारे वो जो है डिकम्पोजेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं। इसलिए जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना कचरा हम जो है अलग अलग जो है तरह से उसको बाइफरकेट करें, जो वेट वेस्ट हो वो बायोडिग्रेड हो जाए और जो ड्राई वेस्ट है उसको रिसाइकिल के लिए भेज दें। कम से कम इतना तो जो है हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं, और इसी तरह से हम और आप जो है मिलकर जो है ग्रीन हो सकते हैं। इसलिए जो है नीचे लिखा गया लेट्स गो ग्रीन टुगेदर, बिल्कुल हमारा और आपका जो है सहभागिता से ही इन्वायरमेंट जो है ग्रीन रहेगा। तो बिल्कुल, इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करूंगा खुद को। बेहद धन्यवाद सर, आपने पूरा चैप्टर एक मैसेज के साथ समाप्त किया है, लेट्स गो ग्रीन टुगेदर, क्योंकि अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे तभी हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। सर बेहद जी मैम, धन्यवाद आज का हमारा ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, और बच्चों को इतना कुछ समझाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। साइंस में हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आज हमने जाना कि हमें अपने पर्यावरण के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही हैं, तो हमें उससे भी दूर रहना चाहिए। इसी तरह एक और कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए, अंग्रेज़ी का कार्यक्रम है कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए, और जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो है पोम अमांडा। तो आप
हमारे साथ जुड़िए और इस पोम को एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में हाजिर होंगे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, आप देखते रहिए चैनल्स। और जाने से पहले जानकारी देना चाहेंगे, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं नए अकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए, अब वो पूरे भारत में उपलब्ध है। आप चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं डायरेक्टली सेल्स काउंटर से। सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक ये काउंटर खुले रहेंगे। मौजूद हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और गुवाहाटी में। अगर आप घर बैठे बैठे इनका ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ncertbooks.ncert.gov.in वेबसाइट है। आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपके घर तक किताबें पहुंच जाएंगी, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। अगर आप PDF वर्जन यानी कि सॉफ्ट कॉपी सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं NCERT दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और इसी जानकारी के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आशा है आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ तन्वी खुराना, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।